सरिस्का में तालवृक्ष क्षेत्र में एक पैंथर की मौत। तालवृक्ष कुशलगढ़ रोड पर मृत पाया गया पैंथर। जी हां, पैंथर का जबड़ा इस दौरान फटा हुआ मिला। संभवतः बारूदी गोला मुंह में फटने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सरिस्का के DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर पहुंच गए। तो सरिस्का में तालवृक्ष क्षेत्र में एक पैंथर की मौत हुई है। तालवृक्ष कुशलगढ़ रोड पर यह पैंथर मृत पाया गया और पैंथर का जबड़ा इस दौरान फटा हुआ मिला। संभवतः है बारूदी गोला उसके मुंह में फट गया, ये ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अधिक जानकारी के साथ सीयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए सरिस्का के तालवृक्ष में एक पैंथर की मौत से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। एक पैंथर की लाश मिली जिसका जबड़ा फटा हुआ था, क्या जानकारी इसको लेकर पूरी? अभी तालवृक्ष और कुशलगढ़ के बीच में एक नया रास्ता बनाया गया, ये पैंथर आज उसी रास्ते पर मृत पाया गया और इसका जो जबड़ा था, जो उसका मुंह था, वो बुरी तरह फटा हुआ था। और जब इसकी जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने वन विभाग को दी, तो वन विभाग के जो वहाँ के सरिस्का के जो DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसका जो चेहरा था पूरी तरह से फटा हुआ था और उस चेहरा फटने की वजह से उसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वो बारूदी गोला था या कोई वाहन उसके चेहरे के ऊपर से निकल गया या और कोई कारण हो सकते हैं, इन कारणों की हालांकि पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पहले होती रही हैं, क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने मवेशियों को बचाने के लिए, जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए मांस में या आटे के अंदर एक बारूदी गोला लगा देते हैं, उसके अलावा और भी इस तरह की चीजें करते हैं, तो उससे कई बार क्या होता है कोई भी मवेशी या कोई भी वन्य जीव उस गोले को खाता है और वो गोला उसके मुंह में फट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है, लेकिन आज जो घटना हुई है निश्चित तौर पर जो एक सर्विलांस जो पूरा सिस्टम लगा रखा है उसको लेकर थोड़े से जरूर इससे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी चूंकि पुष्टि नहीं हुई है कि कारण क्या है उसका, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह से उसका जबड़ा फटा हुआ था पैंथर का, उससे ऐसा लगता था कि उसने कोई बारूदी गोला खा लिया और उसके चबाने से उसकी जैसे जबड़ा फटा उसकी मौके पर मौत होगी। फिलहाल पूरी जो प्रकरण है, पूरी जो घटना है, इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरिस्का में जिस तरह से वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है और लगातार जिस तरह से गर्मी के अंदर पैंथर बाहर आने लगे हैं और ये जो घटना हुई है तो उस पर निश्चित तौर पर एक अतिरिक्त सतर्कता बरतने की वहां पर जरूरत है और उसकी प्रयास वहां पर लगातार फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा और DFO सुदर्शन शर्मा लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।